अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पेज बिल्डर्स क्या होते हैं, उनको किस तरह से यूज़ करते हैं और उनका क्या फ़ायदा होता है। तो बेसिकली पेज बिल्डर्स को आप इस तरह से समझ सकते हैं जिस तरह से आपके पास एक खाली पेज अवेलेबल है जो कि आपकी वेबसाइट होती है, जब वो बिल्कुल खाली होती है उस पर कोई डिज़ाइनिंग कोई मटेरियल एडेप नहीं होता। तो पेज बिल्डर्स को हम इस तरह से लेंगे, उस खाली पेज पे डिज़ाइनिंग करने के लिए सम सॉर्ट ऑफ पेंसिल, जिस तरह से आप एक खाली पेज पे किसी पेंसिल से किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसी तरह से पेज बिल्डर्स को यूज़ करते हुए आप एक खाली वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली पेज बिल्डर्स कुछ डिफरेंट प्री बिल्ट कंपोनेंट्स के साथ आता है जिसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके उस खाली पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। मज़ीद आगे चल के हम इसके बारे में देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ, पेज बिल्डर्स काफ़ी तरह के होते हैं और डिफरेंट होते हैं, लेकिन इस मॉड्यूल के अंदर हम जो भी फेमस पेज बिल्डर्स हैं जिनको करने के बाद आपको किसी और बिल्डर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और टेक्निकली अगर आप उन बिल्डर्स को सीख लेते हैं तो आप फ्यूचर में आने वाले तमाम बिल्डर्स को आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, कोई भी अनएक्सपेक्टेड या कोई भी अंडररेटेड पेज बिल्डर्स आपके सामने आ जाते हैं तो आप उसको ईजिली ऑपरेट कर पाएंगे। तो इनके अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एलिमेंटर है, विजुअल बिल्डर है, उसके अलावा गुटनबर्ग बिल्डर है जो कि वर्डप्रेस का अपना है, और इसके अलावा डीवी बिल्डर है, बट हमारा जो मेन फोकस होने वाला है वो एलिमेंटर बिल्डर के अबाउट होने वाला है, और एलिमेंटर को हम डिटेल के अंदर सीखेंगे। उसके बाद हम ओवरव्यू भी लेंगे डीवी बिल्डर का और विजुअल बिल्डर का, विजुअल कंपोजर का, और इसके अलावा बीवर बिल्डर, ये सारे बिल्डर्स का हम एक ओवरव्यू भी लेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा बेसिकली कि पेज बिल्डर्स क्या होते हैं और किस तरह से ये काम करते हैं। बेसिकली हमने डिस्कस नहीं किया, आगे चल के लेक्चर्स में ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।